हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का भाई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले एक नई वैकेंसी के बारे में जो आ रही है वेस्ट बंगाल म्यूनसिपल सर्विस कमीशन यानी कि WBMSC की तरफ। दोस्तों, रिक्रूटमेंट आ रही है असिस्टेंट सब इंजीनियर के। डिप्लोमा एंड डिग्री वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी, इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल तीनों के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है। दोस्तों देख पा रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। जैसे दोस्तों वेबसाइट पे आप आएंगे, देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिस का सेक्शन है। व्यू मोड दोस्तों हम क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस पेज दोस्तों आप आ जाएंगे, देख पाए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नोटिस का सेक्शन आप सामने देख पा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे तीन जो है एडवर्टीजमेंट का अलग अलग एडवर्टीजमेंट रिलीज किया गया है। ये अब देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों 10th यहाँ पे 9th 8th ठीक है। यहाँ पे सिविल इलेक्ट्रिकल, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का, फिर मैकेनिकल, फिर सिविल, सब असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पे दोस्तों पोस्ट है। चलिए इसका हम जो PDF है इसको डाउनलोड करते हैं, उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। फाइनली PDF डाउनलोड हो गया है। देखिए फर्स्ट PDF आप देख पा रहे हो, तो ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 8 of 2022 को होगा, यानी आपका सिविल वालों के लिए यहाँ पे आपकी एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, एक एक करके यहाँ पे मैं तीनों का एडवर्टीजमेंट मैं आप सभी को PDF दिखा दूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 42 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट, देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे सिविल कर सकते हैं। इसमें आपका जो पे लेवल होगा 12 पे कमीशन पे आपको होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे डिप्लोमा एंड डिग्री वाले कैंडिडेट्स पे दोनों एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर 3 साल पास डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर सकते हैं, या आपका डिग्री है तब भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। हायर जो है हायर क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में आल्सो अप्लाई। ठीक है, यानी कि आपको रिपीटेड किया है BE BTEC तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज नॉट मोर 37 ईयर, यानी कि 37 साल से अधिक आपकी जो है वो एज नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो दोस्तों मिलेगा वो सिर्फ जो है जो रिजर्वेशन कैंडिडेट्स OBC SC ST उन्हीं को मिलेगा। और दोस्तों बता दूंगा आपको जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है तो सभी स्टेट वाले कैंडिडेट्स में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज अगर UP से है, बिहार से, किसी भी स्टेट के हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, सिर्फ आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म को फिलअप करना होगा। ठीक है, आप OBC SC ST कैटेगरी का आपका जो रिजर्वेशन मिलता है आपके अपने स्टेट में वो आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपके जनरल में अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दोस्तों अगर बात यहाँ पे एक रिटन टेस्ट कराया जाएगा आपको। अगर हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो सिलेबस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका मल्टीपल टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे आपका 200 यहाँ पे नंबर का होगा। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट होगा 40 नंबर का। ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी किसी वीडियो में और डिस्कस कर लेंगे इसको हम। और यहाँ पे दोस्तों बात करें सिलेबस के बारे में, आपका जो डिप्लोमा का सिलेबस है दोस्तों वही आपका मिसलेनियस। लास्ट डेट दोस्तों होगी इसके जो 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त दोस्तों 6 अगस्त 2022 फॉर्म की लास्ट डेट होगी अप्लाई करने के लिए। दोस्तों ये सेकंड PDF आप देख पा रहे हैं, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर 9 of 2022 होगा। ये आपकी मैकेनिकल के लिए होगी। ठीक है, मैकेनिकल के होगी, इसमें नंबर आप आपका वैकेंसी दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 13 पोस्ट है। यहाँ पे सेम वही क्राइटेरिया है, डिप्लोमा आपके पास, डिप्लोमा या डिग्री आपके पास जो है मैकेनिकल से होना चाहिए, आप इसके लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया दोस्तों, लास्ट डेट इसकी वही होगी 6/8/2022। ठीक है, इसको देख सकते हैं, मिसलेनियस का सिलेबस है ये। दोस्तों सारी PDF आपको एक साथ मेरे नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एडवर्टीजमेंट नंबर ये 10th of 2022 होगा, यानी आपका इलेक्ट्रिकल वालों के लिए होगी, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं, टोटल यहाँ दोस्तों 7th यानी कि 7 पोस्ट यहाँ पे है। सेम क्राइटेरिया, आप पास इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या आप पास BE BTEC होना चाहिए आप इसमें अप्लाई करने के लिए। और इसकी भी सेम दोस्तों देख पा रहे हैं, और जो आपका फ़ी वगैरह है 150 रुपये यहाँ पे आपकी जो फी होगी। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज 50 रुपये होगा, 200 रुपये आपका टोटल यहाँ पे फॉर्म का चार्ज होगा। और यहाँ पे आपका 200 मार्क्स का और 40 मार्क्स का आपका यहाँ पर्सनालिटी टेस्ट होगा, और 200 नंबर का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे सिलेबस आपका डिप्लोमा का वही दोस्तों सिलेबस होगा। लास्ट डेट इसकी भी वही है दोस्तों, सेम है 6/8/2022। ठीक है, और इस PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करके आप जो है इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करने का लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये इसकी दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, फॉर्मेटिव लगा, वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर में ना चाहो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।